वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एवरीवन, एंड आई एम सचिन। और आज हमारे साथ हैं आकर्षित तिवारी, जिनका स्कोर अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपको इस इंटरव्यू को सुनकर बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अगर आप अभी न्यू स्टूडेंट हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब इस बच्चे के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के इसने इतना अच्छा स्कोर किया और अपने सब्जेक्ट्स में जो है 100 भी लेके आया, और एक में नहीं दो दो सब्जेक्ट्स में, तो किस तरीके से इसकी ये जर्नी रही, हम आज इसी से सुनेंगे। तो आकर्षित, क्या आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? मेरा नाम आकर्षित तिवारी है और मैंने अपनी 12th राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गौतमपुरी से की है। और मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी में 100 स्कोर किया है और पॉलिटिकल साइंस में मेरा 96 स्कोर है। ओके, तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि दो सब्जेक्ट्स में 100 स्कोर करना, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक में भी नहीं कर पाते, और आकर्षित ने दो दो में 100 स्कोर कर दिया। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे जो 100 स्कोर किया था वो हिस्ट्री में किया था, और मैं जानता हूँ कि 100 स्कोर करने के लिए कितनी मेहनत चाहिए होती है, और दो सब्जेक्ट्स में 100 स्कोर कर लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जहां तक कि आप जानते हैं कि लोग ये समझते हैं कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से अगर पढ़ते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं कर सकते, या अगर वो ट्यूशन नहीं जाते तो वो इतना अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आकर्षित ने इन सभी बातों को गलत साबित किया और उसने दो सब्जेक्ट्स में 100 लेके, मतलब एक ये माइलस्टोन उसने अचीव किया। तो आज हम आकर्षित से ये जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट्स में तुमने दो में स्कोर किया 100 और एक में 96 तुमने बताया, तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या तुम बैलेंस बना के पढ़ते थे, किस तरीके से टाइम टेबल रहता था, हम जानना चाहेंगे आपसे आकर्षित। सर मैंने टाइम टेबल बना रखा था कि हर डे वाइज पॉलिटिकल पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है और ज्योग्राफी पढ़नी है। मैं बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रखा था मैंने कि बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो कि सिर्फ नहीं एक दिन ये कर रखा है, सबको बिल्कुल इक्वली टाइम दे रखा था। और सर मैं डेली 5 to 6 hours स्टडी करता था और डेली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता था और लाइन टू लाइन। सर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि लाइन टू लाइन पढ़ो और 1 mark के लिए उससे हर लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है कि अगर हम 1 line से अपनी अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए 1 mark लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जब हम आंसर लिखते हैं तो हम वो पॉइंट्स अगर अपने आंसर में लिखते हैं तो वो बहुत आंसर हमारे बहुत अच्छा लगता है इसके लिए। ओके, तो ये सवाल मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से तुमने जो 100 स्कोर किया उस सब्जेक्ट में, या तुमने जो 96 भी लिए वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तुम्हारी आंसर राइटिंग से रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? कि मान लो अगर तुम जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो और जो तुमने बताया 100 भी स्कोर किया, तो उसको क्या लिखने का तरीका होता था तुम्हारा? क्योंकि हर स्टूडेंट ये जानना चाहता है, क्योंकि जब तक वो आंसर राइटिंग नहीं सीखेगा, सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने से भी हम कभी टॉपर नहीं बनते, हमें एक प्रॉपर वे आना चाहिए कि हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो क्या आपका तरीका था आंसर लिखने का? सर मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ता था उसको पढ़ने के बाद मैं लिख के देखता था। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बॉडी, मेन बॉडी, फिर लास्ट में कंक्लूजन। मैंने हर आंसर में ऐसा किया और मैंने बोर्ड के पेपर में भी ऐसा किया। बोर्ड एग्जाम में मैंने इसी पैटर्न से आंसर लिखा। सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2-3 line का, फिर उसके बाद मेन बॉडी उस क्वेश्चन की जो आंसर मांग रहा है, फिर लास्ट में थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कंक्लूजन लिख देता था। ये इस तरीके से मैंने आंसर राइटिंग की हर हर टॉपिक की प्रैक्टिस की है। ओके, तो क्या तुम्हें जब तुम्हारी ये जर्नी स्टार्ट हुई क्लास 12th की, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम्स आई समझने में? क्योंकि अभी नए स्टूडेंट्स आए हैं, वो भी जब आपको देखेंगे सुनेंगे लाखों बच्चे, तो वो जानेंगे कि स्टार्टिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो लास्ट में किस तरीके से एक स्टूडेंट ने पूरी वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए और अपने आप को संभाला और 100 स्कोर किया। तो क्या आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई जब आप डिमोटिवेट अपने आप को महसूस करते थे? यस सर मेरे को ज्योग्राफी में वो डाटा होता था तो डाटा में बहुत दिक्कत आती थी कि इसको याद कैसे करें। तो सर मैं उसको हमेशा शॉर्ट नोट्स बना लेता था उसके कि बुक में अपना लिख लो साइड साइड में, तो हमेशा मेरे को हमेशा याद हो जाते थे। तो इसलिए मेरे को ज्योग्राफी में शुरुआत में बहुत दिक्कत आई थी, तो मैंने इसलिए ज्योग्राफी के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि जितना भी डाटा होगा उसको एक पेज पे अलग से लिख लिया करूंगा ताकि उससे मेरे को बाद में दिक्कत ना हो। अच्छा, तो मतलब जो चीज़ हमें याद नहीं होती है उसको हम शॉर्ट नोट्स टाइप से बना के, और ज्यादातर जैसा आपने बताया कि ज्योग्राफी के अंदर जो है डेटा होता है और बहुत बच्चों को नहीं याद हो पाता, तो वो शॉर्ट नोट्स बना के और उसको याद कर सकते हैं। ओके, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा, मतलब आप इसको मिथ कह सकते हैं या बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ सच भी हो सकती है, कि क्या हमें मोबाइल चलाने से बचना चाहिए अपनी क्लास 12th में? क्योंकि ये एक बोर्ड एग्जाम आपको देना होता है इस 12th क्लास के अंदर, और ये बोर्ड क्लास होती है, तो क्या हमें मोबाइल से दूर होकर एक 4 दीवारी के बंद कमरे में अपने आप को कैद कर लेना चाहिए, कहीं किसी से मिलना नहीं चाहिए, कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, और सिर्फ बर्डन लेके क्या हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए? नहीं सर मैं
ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही चार दीवारी के अंदर बैठ के पढ़ो ये। मैंने भी बहुत फोन यूज करा है ट्वेल्थ में, सब मेरे को तो लगता है मैं सबसे ज्यादा ट्वेल्थ में फोन यूज करा है, लेकिन मैं एक उसमें अकॉर्डिंगली यूज करता था, ज्यादा ओवर नहीं करता था। मेरे को पता था कि किस टाइम पढ़ना है, अगर आप स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हो तो आपको पता रहता है कि किस टाइम पे आपको पढ़ना है और किस टाइम पे आपको फोन चलाना। तो मैंने भी यही स्ट्रैटेजी बना रखी थी, जिस टाइम मेरे को पढ़ना होता था मैं अपना फोन उठा के दूसरी जगह रख देता ताकि मेरे को डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि अगर फोन आंखों के सामने रहता है तो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है। इसलिए मैं ऐसे करता था कि फोन उठा के दूसरी जगह रख दे ताकि डिस्ट्रैक्शन हो ही ना पढ़ते वक्त। लेकिन फोन तो ऐसा ये है नहीं कि फोन नहीं चलाना चाहिए, फोन भी चलाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है उससे भी चला के। और मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्या आपका कोई ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट था जिसको आप ज्यादा टाइम देते थे, या आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चलते थे? सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके चला, किसी को मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, सबको इक्वली। मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस ना करते हुए आपने सभी चीजों को इक्वली लिया? और एक टॉपर स्टूडेंट दिन में कितने घंटे पढ़ता है, ये यार इसका क्या राज है? मतलब कोई बताता है हम 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तो कोई कहता है कि मैं तो बिल्कुल ही कम पढ़ता था। आपका इसमें क्या है, मतलब आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा टॉपर बनने का? सर मैंने डेली 5 to 6 hours स्टडी किया। हम ये होता है हर बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ सकता है, लेकिन आप कम पढ़ो लेकिन उसको क्वालिटी स्टडी करो, चाहे 5 to 6 hours स्टडी करो लेकिन क्वालिटी स्टडी होगी। अगर उसमें आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा समझ आएगा, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। ये भी बात आपने एकदम सच कही कि चाहे आप थोड़ा पढ़ो, आपको ये कोई नहीं कहता कि आप पूरी एनसीईआरटी एक दिन में पढ़ जाओ या आप 10 घंटे तक बैठ के पढ़े। थोड़ा पढ़िए, क्वालिटी में पढ़िए और डेली पढ़िए, यही आपकी की थी मतलब सक्सेस की। हाँ जी सर, तो आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, या जो कि फाइनेंशियली इतने ज्यादा अच्छे नहीं है और वो हमारी वीडियोस के सहारे अपनी अभी 12th करने वाले हैं और जो मतलब ट्यूशन नहीं जाते? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ट्यूशन जाने वाला स्टूडेंट ही 100 स्कोर करता है? नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं भी ट्यूशन नहीं जाता था, मैं भी विदाउट ट्यूशन भी मैंने पढ़ा, बस वीडियोस देखी आपकी और स्कूल टीचर्स को मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा, उनकी मदद से मैं 100 स्कोर कर पाया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुन के कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो ही आपके 100 आ पाएंगे। बाय द वे, मैंने भी कोई किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं लिया था अपने क्लास 12th में, और मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ एकलव्य स्टडी पॉइंट का ही। हमारे जो सत्येंद्र सर हैं जो पोल साइंस पढ़ाते हैं और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं भी उन्हीं का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपका कोई ऐसा कोई रोल मॉडल रहा आपके क्लास 12th में जिसको देख के आप ये सोचते हो कि हाँ कि इन्होंने स्कोर किया है तो मेरे को भी स्कोर जरूर करना है? कोई आपके सीनियर हो, भैया हो, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो? नहीं सर मैं इंस्पिरेशन मैंने खुद ही को अपने आप से खुद पढ़ा था, लेकिन मैंने किसी को रोल मॉडल अपना माना नहीं, बस मैं टीचर से गाइडेंस लेता रहता था। अपने क्लास टीचर से मैंने बहुत गाइडेंस लिया, वो मेरे को बहुत गाइड करते थे कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन्होंने बहुत गाइड किया है, बस उनको मैं कहूँगा कि थैंक यू बोलूँगा। बढ़िया। तो आपको कौन टीचर पढ़ाते थे, उनका नाम आप लेके उनको धन्यवाद कह सकते हैं जिस भी स्कोर में आपने 100 स्कोर किया? जो भी आपको टीचर पढ़ाते हो आप उनको थैंक्स कह सकते हैं? ज्योग्राफी में हमें पढ़ाते थे परविंदर सर, उनका मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, और हिस्ट्री हमें सौरभ सर ने पढ़ाई है, उनको मैं बहुत थैंक यू। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आपका क्या गोल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 12th में आ जाते हैं लेकिन तब भी उनको अपना गोल क्लियर नहीं होता। कि अगर उनसे कोई पूछ ले जाके कि आपको आगे क्या करना है तो कहते हैं सर अभी तो हमें पता ही नहीं है क्या करना है, अभी तो हमने सोचा ही नहीं। तो क्या आपका कोई ऐसा गोल सेट किया हुआ था आपने, या आप भी एक सिलेबस के अंदर ही बंद के और वही पढ़ते थे? क्या मतलब आप अपने गोल को सोचते हुए अपनी पढ़ाई करते थे? सर मैं गोल को सोचते हुए पढ़ाई करता था, मैंने कभी एनसीईआरटी पास होने के लिए नहीं पढ़ी, मैं अपनी एनसीईआरटी नॉलेज के लिए पढ़ता था ताकि मेरे को नॉलेज मिले और ये मेरे आगे भी काम आए फ्यूचर में भी। इसलिए सर मैंने अपना गोल बना रखा था कि मेरा टारगेट है, मैं उसके हिसाब से पढ़ूंगा। मैं मेरे को क्लास 12 से मेरे मार्क्स जितने भी आए मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा टारगेट मेरे को लेना था। बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये भी सुनकर मुझे। और क्या कोई ऐसा आगे का तुम्हारा कोई वो है ड्रीम कॉलेज जहां तुम जाना चाहते हो, या कोई यूनिवर्सिटी में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ सोचा है अभी तुमने? हाँ जी सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी सोची है, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज, तो तुम मेरे जूनियर बनना चाहते हो? क्योंकि अभी मेरी भी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई है लास्ट मंथ हिंदू कॉलेज से ही, और मैं भी बहुत खुश होऊंगा अगर तुम मिलते हो कभी हिंदू कॉलेज के अंदर। और हमारा एक स्टूडेंट अगर हिंदू कॉलेज में जाता है और वहां से पढ़ता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी।
तो लास्ट में क्या आप स्टूडेंट्स के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आकर्षित, कि किस तरीके से इनको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना चाहिए? आप दो लाइनें अपनी बता सकते हैं, लास्ट फाइनल टिप्स। सर लास्ट फाइनल टिप यही कहूंगा कि एनसीईआरटी जितनी बार एनसीईआरटी हो सके उतनी पढ़ो। इतना ये मत देखो कि हमने एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, उससे उससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपकी समझ बनेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी, आप आंसर राइटिंग भी अच्छी कर सकते हो, और इससे आपके 1 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे वो भी अच्छे से होंगे। तो सबसे बेस्ट है कि एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आकर्षित तुमने, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये मैसेज करते हैं कि क्या हमें सर कोई गाइड लेनी चाहिए, क्या हमें कोई सैंपल पेपर ले लेना चाहिए जिसको पढ़ के हम टॉपर बन जाएं। तो कोई गाइड या कोई सैंपल पेपर आपको टॉपर नहीं बनाता, बल्कि जिस तरीके से आकर्षित ने बताया कि एनसीईआरटी ही आपकी सबसे बेस्ट एक दोस्त है जो आपको टॉपर बना सकती है। जैसे आकर्षित ने अपने दो सब्जेक्ट्स में 100 और 96 स्कोर किए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन से हो पाई। तो आकर्षित बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जितने भी स्टूडेंट्स के जो सवाल थे हमने आपके सामने रखे, और आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इन सभी सवालों को आंसर दिया। और एक बेस्ट स्टडी पॉइंट आपका धन्यवाद करता है कि आपने हमारा भी नाम रोशन किया, और साथ साथ अपने माता पिता का और अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे भी कामयाबी को हासिल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।